धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य या भगवान द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना। लेकिन कालांतर में धर्म का अर्थ इसके वास्तविक अर्थ से एकदम अलग कर दिया गया। ग्रंथों के अनुसार भगवान द्वारा जो नियम बताए गए हैं, इस दृष्टिकोण से सनातन धर्म ही वास्तविक धर्म है। सनातन धर्म के प्रमुख 4 संप्रदाय बताए गए हैं, लेकिन कई जगह 5 संप्रदायों का भी उल्लेख मिलता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि संप्रदाय हैं क्या। दोस्तों, संप्रदाय एक मत है जिसे एक व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित किया जाता है। सभी संप्रदायों का उद्देश्य तो एक ही है, लेकिन उनके पथ अलग अलग हैं। सबका उद्देश्य है एक ईश्वर तक पहुंचना। इस वीडियो में हम 5 संप्रदायों का वर्णन करेंगे। तो चलिए जानते हैं सनातन धर्म के कौन कौन से मुख्य संप्रदाय हैं। वैष्णव संप्रदाय। दोस्तों, जो भगवान विष्णु की आराधना करने वाले हैं, वे वैष्णव संप्रदाय का अनुसरण करते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार बताए गए हैं, जिनमें मुख्य 10 अवतार हैं, जिन्हें दशावतार भी कहा जाता है। और ये मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि हैं। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इसके अलावा इस संप्रदाय के बहुत से उप संप्रदाय भी हैं, जैसे सखी, बैरागी, राधावल्लभ, गौड़ीय, रामानंद दास आदि। सनातन धर्म की पुस्तकों जैसे ईश्वर संहिता, विष्णु संहिता, महाभारत, विष्णु पुराण, रामायण और वेदों में ऋग्वेद में वैष्णव विचारधारा का वर्णन मिलता है। दोस्तों, इस संप्रदाय के मुख्य तीर्थस्थल जगन्नाथपुरी, श्रीनाथ जी, खाटू श्याम जी, बद्रीनाथ, द्वारिका, तिरुपति बालाजी, मथुरा और अयोध्या है। शैव संप्रदाय। दोस्तों, जो महादेव शिव की आराधना और उन्हीं ही परमात्मा मानते हैं, वे शैव संप्रदाय का अनुसरण करते हैं। इस संप्रदाय में आत्मशुद्धि के लिए अनुष्ठान किया जाता है। उल्लेखनीय कि 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही शंकर, महादेव, शिव और भोलेनाथ आदि नामों से जाने गए। माना जाता है कि महादेव अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। शैव संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ शिवपुराण, श्वेताश्वत्रा उपनिषद, आगम ग्रंथ आदि हैं, जिनमें शिव जी के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनमें महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्तक, गिरिजा, धूम्रबान, बगलामुखी, मातंग और कमल नामक मुख्य अवतार हैं। दोस्तों, इन सभी अवतारों का संबंध तंत्र शास्त्र से है। शैव संप्रदाय के प्रमुख तीर्थस्थल 12 ज्योतिर्लिंग अमरनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, कैलाश मानसरोवर और सोमनाथ हैं। शाक्त संप्रदाय। देवी पार्वती या दुर्गा के भक्त शाक्त संप्रदाय के अनुयायी हैं। शास्त्रों में पार्वती जी को शक्ति नाम से संबोधित किया गया है। इस संप्रदाय की विचारधारा के अनुसार स्त्री संसार की सर्वोच्च शक्ति है। इस वजह से इस संप्रदाय में देवी आदि शक्ति को ही ईश्वर माना गया है। कहते हैं कि संसार में जहाँ सृजन की शक्ति है, वहाँ प्रकृति है, इसलिए देवी को प्रकृति कहा गया है। इस संप्रदाय में अनुष्ठान का काफ़ी महत्व है। शाक्त संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ श्री दुर्गा भागवत पुराण है, जिसके अंतर्गत दुर्गा सप्तशती भी आता है। आपको बता दें, शाक्त संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल कोलकाता का कालीघाट, गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर आदि हैं। समार्थ संप्रदाय। सर्वप्रथम ईश्वर ने वेदों का ज्ञान ऋषि मुनियों को सुनाया था। इस प्रकार वेद ज्ञान इस संसार में श्रुति के माध्यम से आया, इसलिए वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। माना जाता है कि वेदों के अतिरिक्त सभी ग्रंथ स्मृति ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के ज्ञान को स्मृति के आधार पर प्रचारित किया गया है। स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति, सभी स्मृतियां और पुराण सम्मिलित हैं। इन स्मृति ग्रंथों के उल्लेख का अनुसरण करने वाले समार्थ संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, यानी समुदाय के अनुयायी भगवान विष्णु, महादेव, शिव, देवी दुर्गा सभी की आराधना करते हैं। आपको बता दें, हिंदुस्तान में अधिकांश लोग समार्थ संप्रदाय के ही हैं। वैदिक संप्रदाय। दोस्तों, मनुष्य जीवन का आधार वेद है और सभी संप्रदायों में वेदों के उल्लेख को माना जाता है। और देखा जाए तो सभी संप्रदाय वैदिक संप्रदाय के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन कालांतर में अनेक भ्रांतियों की वजह से अध्यात्म में बहुत मिश्रण हो चुका है। दोस्तों, इस संप्रदाय में सिर्फ एक भगवान की आराधना की जाती है, जिसका कोई आकार नहीं है। कबीर जी ने अपने दोहों के जरिए लोगों को विचारों तक जागृत किया। तो दोस्तों, इस तरह से सनातन धर्म के लोग अलग अलग संप्रदायों का अनुसरण करते हैं, लेकिन इन सबका उद्देश्य सिर्फ आत्मज्ञान की खोज करना और मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।